आज हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वो भी कुछ सेकंडों के अंदर। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कितने डिजिट है। तो क्वेश्चन जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू हाउ मच। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने डिजिट है। तो अगर आप गिनोगे तो उसमें टोटल 4 डिजिट है, 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले आपको ये लिख देना है 2 रेज़ टू 4। तो 2 रेज़ टू 4 होगा 16। उसके बाद में डिजिट जो है वो 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। उसके बाद में 3 रेज़ टू, ये जो डिजिट है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और इसमें लिखेंगे 16 से एक कम, मीन 16 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 15। तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद में सेम प्रॉब्लम है लेकिन डिजिट 5 है। तो पहले आपको 2 लिख देना है, उसके बाद में आपको देखना है कितने डिजिट है। तो अगर आप गिनोगे तो इसमें 1, 2, 3 थ्री डिजिट है। तो ये हो गया 2 रेज़ टू 3 विच इज़ इक्वल टू 8। उसके बाद में नंबर है 5, तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में जो ये डिजिट आई है वो लिखना है यहाँ पे और ऊपर लिखना है 8 से एक कम, मीन्स 8 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 7। तो ऐसे सॉल्व करना है इसको। उसके बाद में दूसरा प्रॉब्लम है स्क्वेयर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 6 रेज मल्टीप्लाई इंटू इन्फिनिटी तक है। तो ये बहुत ही इजी है, जो डिजिट है वो आपको लिख देना है, मीन 6 है तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 6।